हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। फैमिली, आज है 23 अक्टूबर और आज शरद पूर्णिमा है, तो ये वीडियो मेरा शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में है। और शाम को मैं गाय के दूध में चीनी और चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ दे लेती हूँ। हर पूर्णिमा को नहीं देती हूँ, जैसे तीन तीन चार कार्तिक पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, इन सबको, लेकिन शरद पूर्णिमा को ज़्यादा ही महत्व है, इसलिए मैं इसका ब्लॉग बनाई हूँ। और अब मैं शाम को खीर बनाई हूँ। ये तो सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर ही, ऐसे तो कोई भी व्यंजन मीठा बना करके आप बाहर खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होता है खीर, चावल की ही खीर, क्योंकि माता लक्ष्मी को चावल ही प्रिय है, चावल की खीर उन्हें अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है, इसलिए चावल के ही खीर को बनाते हैं बाकायदे, उसमें पंचमेवा वगैरह डाल करके। तो मैं अब खीर बना ले रही हूँ, शाम को नहा करके पूजा करके तभी ये खीर बनती है कि साफ चूल्हा पे, ऐसा नहीं कि आप जैसे प्रतिदिन का बना खाने के लिए बनाते हैं तो वैसे ही बना लेंगी, पूरी सफाई से प्रसाद स्वरूप ही इसको बनाया जाता है। और अब मैं खीर बना रही हूँ, ये देखिए दूध बॉयल करने के लिए रख दी हूँ, गाय के दूध में ही बनाया जाता है, और जो चावल फ्राई करेंगी या मेवा फ्राई करेंगी उसे भी गाय के ही घी में फ्राई किया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को दीपक भी शायद गाय के ही घी में जलता है, मान लीजिए उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी घी में जल जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को अपने घर में तो उपलब्ध होता नहीं है, मार्केट से ही खरीद के अब तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये इस खीर को बनाने के लिए अगर आप गाय के दूध और गाय के घी का उपलब्धि कर लेती हैं तो अच्छा रहेगा। और ये पहले मैं दूध मेरा बॉयल हो रहा है, ये मेरा 2 लीटर दूध है और इसमें एक कटोरी चावल, करीब 200 ग्राम के लगभग मैं चावल ली हूँ, चावल को धो करके रख ली हूँ, उसको घी में भून करके दूध में, बॉयल दूध में डाली हूँ। और मैं चावल को सिर्फ भून करके डाल देते हैं इसको पकने के लिए, मैं उसको जैसे लोग पीसते हैं या दरते हैं ना, तो वो सब हम नहीं करते हैं, मेरे घर में किसी को पसंद भी नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पसंद है। और जब मैं पकाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पक जाता है और खूब अच्छी सी उसको, मतलब जो दूध आपका किनारे किनारे भगोने में लगता है उसको खुरच खुरच के चलाते रहिए, खुरच खुरच के चलाते रहिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। दूध का कोई भी व्यंजन बनाने के लिए तो सभी लोग जानता है कि दूध मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, खीर, सेवई, या अगर पुआ भी आप बना रही हैं दूध में, उसका बैटर तैयार करती हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये दूध में, मतलब मैं पानी बहुत कम डाली हूँ, थोड़ा सा 1 कप पानी डाली हूँ, क्योंकि अगर आप पानी नहीं भी डालेंगी ना तो वो पकेगा नहीं। और मेरी खीर बनके तैयार हो गई है, इस तरह से हम रखे हैं बाहर, देखिए जालीदार, और इसमें पूरी देखिए चांद चंद्रमा की भी दर्शन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, ये है 31 अक्टूबर की सुबह, और ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के ही दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, और आज से तुलसी माँ की इसीलिए पूजा भी होती है पूरी कार्तिक मास में, ये तो सभी लोग जानते हैं। और ये प्रसाद है, सब लोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घर में खुश रहिए, बाय बाय।